और एक भौतिक इकाई होती है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि व्याकरणिक क्या होता है। काल जो होता है ना, इसका मतलब होता है घटना जो घटित हो, और समय जो होता है वो टाइम बताता है। वो समय क्या बताएगा? एक टाइम की जानकारी देता है। जैसे इंग्लिश के अंदर दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, यहां पर मैंने लिखा है टाइम और यहां पर। सबसे बड़ी कहानी क्या होती है जो हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, थोड़ा सा अटके पढ़ते, पहचान नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें ये बताया जाता है कि जब था आए ना तो भूतकाल होता है आए तो वर्तमान काल होता है, और गा आए तो भविष्यत काल होता है। ये तीनों ही स्टोरीज गलत हो जाती है। था हमेशा भूतकाल में ही आएगा, और जो है होता है वो किस में आता है? वो वर्तमान काल में आता है ना, लेकिन है यहाँ पर भी आता है भूतकाल में। कैसे आता है भूतकाल के अंदर? मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था राम बाजार गया, राम बाजार गया, राम बाजार गया। ये जो मैंने नीचे एक बिंदी लगाई है बेटा, इसका क्या रोल है यहाँ पर हिंदी में? क्या रोल है ये जो होता है ना, इसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। ये क्या है? नुक्ता। और जब किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लग जाए ना, इसका मतलब वो हमारी हिंदी का नहीं, तो वो बाहर से आया है। कहाँ का है वो? अरबी फारसी का। किसका है वो? अरबी फारसी का। ये बात याद रखना। और एक चीज और बताऊं, इन दोनों के अंदर भी अंतर होता है बेटा, बोलने में भी अंतर आ जाता है। जैसे एक तो है जय और एक होता है ज। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको जो है 8th क्लास दिखाई थी, 8वीं क्लास की पढ़ाई यहाँ पर जो है ना, ये स्कूल की क्लास की पढ़ाई चल रही है 8वीं क्लास की। अब जो हम 8वीं क्लास में जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर, कलर्स के साथ वीडियोज़ दिखा करके, पिक्चर्स दिखा करके, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ। पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा सवाल ये है। पढ़ाई बच्चे को अच्छी और इंटरेस्टिंग बना करके क्यों ना दी जाए, ये मेरा सवाल है। जो बच्चे 6-7 घंटे स्कूल में जाते हैं, अगर 6-7 घंटे स्कूल में जा करके पढ़ाई बढ़िया होती है तो फिर बच्चे को ट्यूशन पर क्यों जाना पड़ता। अब 6-7 घंटे स्कूल, फिर 3-4 घंटे ट्यूशन, फिर उसको होमवर्क करना पड़ता है, तो बच्चों का हाल क्या बन गया है? बचपन कब जिएंगे वो? मज़े कब लेंगे वो? ज़िंदगी में ग्रो कब करेंगे? तो मेरा सवाल इस पर यह है, आप लोग जो भी समझते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ICS में अब इस बात का समाधान आ गया है। ICS अब सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ स्कूल की पढ़ाई भी करवाने लग गया है। बच्चे 4th क्लास के हों, 5वीं के हों, 6ठी के हों, 7वीं के हों, चाहे 10वीं के हों, चाहे 11वीं 12वीं के हों, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, वे इंटरेक्टिव पैनल पर स्मार्ट बोर्ड की माध्यम से, और जो हमारी टीम है, जो आज भी सरकारी नौकरी की गारंटी देती है, 2023 में ICS के CET का, फिर CGL का 100% रिजल्ट है। तो इस पढ़ाई के साथ साथ, कोचिंग के साथ साथ, स्कूल की पढ़ाई शुरू हो गई है, और पूरी टीम को प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने आप ट्रेंड करेंगे, मैं ट्रेंड करूंगा, बबीता मैम ट्रेंड करेंगी, और प्रॉपर तरीके से हम लोग भी क्लासेज लेंगे। जैसे मैं अभी क्लास में बैठा था, तो टीचर्स की एजुकेशन की क्वालिटी, उनकी डिलीवरी की क्वालिटी, जो बच्चों को पढ़ा पाते हैं, उनके ज्ञान की क्वालिटी, ऐसे चेक करते रहते हैं। मैंने आपको भी दिखाया, अगर आपने शुरुआत से वीडियो नहीं देखे तो दोबारा से शुरुआत से देख लीजिए। इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, काल और समय का टॉपिक चल रहा था। बहुत लोगों को तो काल और समय में फ़र्क भी नहीं पता है। तो हम लोगों के वे टीचर जो बच्चों को पढ़ा करके नौकरी की गारंटी देते हैं, वे बच्चे स्कूली लेवल पर भी पढ़ाएंगे, और इस स्कूली लेवल पर पढ़ाने के साथ साथ अपनी टीम को जो है तैयार करेंगे, ताकि एक अच्छा भविष्य भारत का बन पाए, लोगों का भविष्य बन पाए। आपके बच्चे को पढ़ाई बोझ ना दिखे, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट से पढ़े, तो हमारा स्कूल चालू हो गया, हमारी पढ़ाई चालू हो गई है, और हमारी इस पढ़ाई में जो ये स्कूल की पढ़ाई है, इस स्कूल की पढ़ाई में पढ़ाई अब बच्चों को बोर नहीं होने देगी। अब बच्चा हर रोज़ ये कहेगा कि छुट्टी क्यों कर दी, अब हमें जाना है पढ़ने के लिए, सेंटर में जाना है। तो उस पढ़ाई के लिए आप लोग हमारे से मिल भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 9053002040 ये हमारा ICS कोचिंग सेंटर का नंबर है। और स्कूल की पढ़ाई के लिए, जो स्कूल वाली पढ़ाई है, ट्यूशन्स जो चल रहे हैं, जो स्कूल का एजुकेशन चल रहा है, जो नॉन अटेंडिंग का काम चल रहा है, उसके अंदर 9053000999 RTE राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी आदमी अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैर कानून नहीं है।
ना तो बच्चे का पढ़ना गैरकानूनी है और ना बच्चे को पढ़ाना गैरकानूनी है। कोई भी आदमी अपने बच्चे को कहीं पर भी कैसे ही पढ़ा सकता है और उसका फ्यूचर बनवा सकता है। बात है ज्ञान की, अगर ज्ञान सही है तो फिर सारी बातें सही हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बोलो। बबीता मैम भी आ गई हैं। बबीता मैम स्कूली एजुकेशन के ऊपर थोड़ी सी बातें बताएंगी और वैसी पढ़ाई के ऊपर भी बातें बताएंगी। गुड इवनिंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और सब लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए, एक बात तो सच है कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है हमारे में। एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन है वो तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन उसमें जो सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो रोट लर्निंग को, क्रैमिंग को, चीज़ों को रट लेने से अच्छे नंबर लाने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बजाय इसके कि बच्चे में बहुत सारी स्किल्स डेवलप हों, वो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन सके, वो अपनी क्लास को लीड कैसे करे, वो किसी ग्रुप को लीड कैसे करे, वो कैसे बेझिझक अपने विचारों को लोगों के सामने रख पाए। तो ये सब चीज़ें एक बेसिक पर्सनैलिटी की ज़रूरत हैं। जैसे हम देखते हैं इंडिया में पढ़ाई लिखाई के बाद भी, आप देखिए जब भी कभी इंटरव्यू की बात आती है, मैं दूर नहीं जाऊँगी, आजकल KVS के इंटरव्यूज की तैयारी के लिए लोग भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं इंटरव्यू की जो तैयारी करनी पड़ती है, इसका भी कारण यही है कि हम लोग वो स्किल्स जो जरूरत है बीइंग अ टीचर, अब जैसे जिसको KVS में नौकरी चाहिए और टीचर लगना है, तो टीचर में भी कुछ बेसिक नीड्स हैं टीचिंग प्रोफेशन की, जैसे आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी आवाज जो है 30-35 बच्चे, 40 बच्चे जिस कमरे में बैठे हो वहां आपकी आवाज लास्ट बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि हर स्कूल तो माइक नहीं देगा। इनफैक्ट 12वीं तक तो स्कूलों में माइक वैसे भी टीचर्स यूज नहीं करते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके जहां थोड़ा बहुत पैसा अच्छा यूज मिलता है सरकार से, कभी ग्रांट्स के नाम पे, कभी स्टूडेंट्स से फीस के नाम पे, वहां अफोर्ड कर पाते हैं। तो वहां बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू जैसी चीज हर एक को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है और फिर उसको भागना पड़ता है इधर उधर। तो ये सब चीजें अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर डेवलप कर दी जाए, भीड़ के सामने अपनी बात कैसे रखनी है, बेझिझक होके कैसे अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना है, कैसे आपका एक आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, ऐसा भी ना दिखे कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं या ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी बात को किस तरह से रख सकते हैं, ये सब चीजें पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं और इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप देखेंगे जो बच्चे बचपन से जिनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाता है ना, वो यंग एज में ही कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं। हर बच्चे के अंदर प्रतिभा छिपी होती है, बस प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजों के 1813 में एजुकेशन पॉलिसी पे जो काम करने की बात उठी थी, उसके ऊपर फिर अंग्रेजों ने 1853-54 में वुड्स डिस्पैच में, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहलाता है, लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने 1833 में अंग्रेजी शिक्षा को भारत का एक बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया और आज तक भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, इंग्लिश एक पूरी दुनिया को जोड़ने की भाषा है, बेहद जरूरी है, लेकिन साइंस मैथ्स एसएसटी को बजाय रटने के अपनी लाइफ में, समाज में कैसे देखना है, क्योंकि साइंस इंसान ने नहीं बनाया, साइंस तो ऑलरेडी था इस धरती पर, हमने तो सिर्फ साइंस को नियमों में बांध के किताबों में लिख दिया जो बड़े बड़े लोग हुए और हम लोग उनको पढ़ते चले गए। ये बेसिकली सारी चीजें हमारी जिंदगी से ही उठती हैं, तो जिंदगी से जोड़ के पढ़ाई करानी चाहिए, ऐसा हमें बहुत सालों से लग रहा था। और इसी लाइन पे हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट, अब नया तो क्या कहूं, 2 साल पहले हमने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, गांव के हर बच्चे तक अब अच्छी क्वालिटी शिक्षा पहुंचे, वो चीज़ों को रटे ना, सिर्फ मार्क्स के पीछे ना भागे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बने, वो कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, उसकी भाषा पे अच्छी मजबूत पकड़ हो, वो हर चीज़ को समझने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करे, इस तरीके की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और स्कूली शिक्षा सबसे बेस्ट पड़ाव होता है जिंदगी का, जब पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन होती है, वो पर्सनैलिटी जो अगर 12वीं क्लास तक स्ट्रांग बन जाती है तो कोई भी भविष्य में दिक्कत आने पर वो पीछे नहीं हटते हैं। उसी के लिए ICS काम कर रहा है और बाकी सर ने आपसे बातचीत की ही होगी, ICS में एडमिशंस ओपन है 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, जो बेसिक शिक्षा है वो तो हम यहाँ दे रहे हैं, 11th-12th में जो बच्चा जिस स्ट्रीम में पढ़ना चाहता है उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। साइंस का तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट, हमारे आशीष नैन जी हैं, कॉन्सेप्चुअल अकेडमी चलाते थे ICS प्लस, अब ये हमारा नया वेंचर है जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से शानदार रिजल्ट दिया है और 2 साल हो गए हम लोगों को इस पे काम करते हुए। तो 4th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, साइंस और आर्ट्स का भविष्य, क्योंकि
थोड़ा सा लोग सेफ मानते हैं, तो ठीक है, जिसका बच्चे में जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है। मैं कभी ये नहीं कहती कि यही सब्जेक्ट अच्छा है। मैं ये जानती हूँ हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले भी बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, संस्कृत को ढंग से मेहनत करके तैयार करने वाले को भी बहुत बुलंदियों तक पहुँचना आसान है, क्योंकि आप देखिए उनके भी अच्छे टीचर्स अच्छे लेक्चरर्स मिलते नहीं हैं। तो अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाइए, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, एक अच्छी शिक्षा की तरफ उसे मोड़िए, और शिक्षा ऐसी जो जीने में सक्षम बना सके, शिक्षा ऐसी जो उसे कॉन्फिडेंट बना सके। तो उम्मीद करती हूँ जितने लोगों तक हमारी ये बात पहुँचेगी वो इस तरफ सोचेंगे, ध्यान देंगे, और अपने बच्चे को अपने आस पड़ोस में जहाँ भी आपका इस तरह का कोई आपको लगता है कि हाँ शिक्षा जिस तक पहुँचनी चाहिए और शिक्षा वो जो उसको सबल बनाएगी, तो उस तक हमारा ये मैसेज ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। चलते चलते एक बात और बता देती हूँ, ICS में ये जो KBS वाले स्टूडेंट्स हैं इन सब के लिए, क्योंकि इनकी 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 नंबर का एक वैसा इंटरव्यू होगा जिसमें कि वो कुछ भी बातें पूछ सकते हैं, 30 नंबर का डेमो रहेगा। इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स जो पुराने हैं वो रोज़ फ़ोन करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, हर एक को पर्सनली बताना पॉसिबल नहीं है, उन सब के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या कोई नया भी है, वो हमारे दिए हुए नंबर पर, आपको नंबर पता ही होगा, 98-1296-96 पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकता है। जी, जो ये स्कूल एजुकेशन की पढ़ाई है ये सिर्फ सोनीपत हेड ऑफिस में नहीं है, जैसे कोचिंग की ब्रांचेज थी वैसे इसकी ब्रांचेज भी चल रही हैं, और अलग अलग जगह पर जो है ये ब्रांचेज में पढ़ाई शुरू है। तो आप अपने बच्चों को अपने आसपास की ब्रांच सर्च करके वहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं। हमारे पास अगर पढ़ाना है तो सोनीपत हेड ऑफिस में आकर के पढ़ाना है तो यहाँ आकर के पढ़ा सकते हैं। चलिए आज इतनी ही बातें करेंगे इसमें, थैंक यू वेरी मच। किसी दिन फिर दूसरी क्लास दिखाऊंगा, आज मैंने 8th क्लास आपको दिखाई थी।